सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ये हमारा मार्वल मैराथन का 12th एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन फर्स्ट फिल्म के बारे में, जो कि 17 जुलाई 2015 को आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, हम संकेत से पूछेंगे एंट मैन 2015 में मूवी जो आई थी उनको कैसे लगी? फर्स्ट एंट मैन बहुत सेफ फिल्म थी। तब तक मुझे एंट मैन सिर्फ कॉमिक्स में या कार्टून्स में ही दिखाई दिया था। उसके पहले हमें नहीं दिखाई दिया था ये फिल्म में। तो ये इसकी फर्स्ट मूवी है जिसमें हमें पता चलता है कि एंट मैन कैसे बना, उसको सूट कैसे मिला, जो पॉल रोड इसके किरदार है, जो जिनका किरदार है एंट मैन, जो स्कॉट लैंग के नाम से मशहूर है इस फिल्म में। और काफ़ी कॉमेडी फिल्म है, जैसे बोला जाए तो MCU की कॉमेडी फिल्म थी फर्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम पूरे फेज में। सेकंड फेज में ये कॉमेडी फिल्म थी और स्टार्टअप में पूरे बहुत गैग्स वैग्स है कि इसने ये बताया था, उसने वो बताया, तो ऐसे है तो ऐसा हम डाका डाल सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे उसके दोस्त बोलते रहते हैं। स्टार्टअप में उसको वो जेल से छूटा हुआ दिखाया है और वो डिवोर्स हुआ डैड है उसका, एक छोटी बेटी है जो काफ़ी अच्छी दिखती है, क्यूट लगती है वो। और ऐसी फिल्म की शुरुआत होती है, वो जाता है अपनी बेटी से मिलने, उसके बर्थडे के दिन उसको विश करता है, उसकी वाइफ उसको बोलती है तुमने कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया, और बाकी सारी चीज़ें होती है, ऐसे उसको हकाल दिया जाता है वहाँ से। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि भाई लोग फिर से हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे अभी तू जेल चला गया था उसके लिए सॉरी, बट अब हम करेंगे ऐसा कुछ कि जिससे हमें जेल ही ना जाना पड़े, जिसकी वजह से हमें चोरी ना करनी पड़े आगे। ऐसी वो एक स्टोरी बताता है, वो स्टोरी बताते बताते हम लोग बहुत हंसते, बहुत कॉमेडी फनी ये स्टोरी है। और उस स्टोरी में ही पता चलता है कि हैंक पिम ढूंढ रहे हैं एक नेक्स्ट एंटमैन। तो हैंक पिम कौन है? हैंक पिम शील्ड के साइंटिस्ट रहते हैं जो हॉवर्ड स्टार्क के साथ काम करते रहते हैं 1989 में। तो वो पिम पार्टिकल ईजाद करते हैं। पिम पार्टिकल इसका मतलब क्या है कि जो हमें श्रिंक करता है आदमी को, छोटा या बड़ा किसी भी स्केल में वो उसकी सारी चेंजेस कर सकता है, वो पिम पार्टिकल बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पिम पार्टिकल जो है वो किसी गलत हाथ में पड़ जाएगा अगर हमने शील्ड को दे दिया या हॉवर्ड स्टार्क को दे दिया, तो इसलिए वो शील्ड छोड़ देते हैं और खुद ही ढूंढने निकल पड़ते हैं नेक्स्ट एंटमैन। क्योंकि फर्स्ट एंटमैन तो वही रहते हैं खुद, और उनकी वाइफ रहती है जिनका किरदार माइकल डगलस ने निभाया है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने किरदार प्ले किया है इस फिल्म में और काफ़ी अच्छे लगते हैं वो। और वही स्टार्टअप में एंटमैन ढूंढ रहे हैं ऐसे ही इसको पूरा जाल बिछा के पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। उसको फर्स्ट टाइम पता चलता है, तो वो सीन बहुत सही है जो बाथरूम का सीन है, वो टब में ऐसा बाथटब में खड़ा होके वो बटन दबाता है तो उसको सुनाई आता है भाई बटन दबा दे, तो वो बटन दबाता है तो और फिर वो पानी का फ्लो, वो काफ़ी अच्छा वीएफएक्स शॉट था, बहुत मज़ा आया। हम लोग बोल रहे थे वो वाह क्या सीन है, कितना मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से वो सीन था। और उसके बाद जो एवेंजेलिया लिली होती है जो इस फिल्म में होप पिम का किरदार निभा रही है, जो कि हैंक पिम की डॉटर है जो आगे चल के वास बनेगी, तो उनका भी ये किरदार रहता है कि वो भी इस प्रोसेस में रहती है कि वो खुद एंटमैन बने या खुद वो सूट पहने, उनका वो ख्वाब रहता है। बट हैंक पिम बोलते हैं नहीं, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं करेगी ये, इसके लिए यही परफेक्ट है। तो उसमें एक और एक सीन है, जैसे नेक्स्ट डे वो सो जाता है एंटमैन, और नेक्स्ट डे वो उठता है तो देखता है सारे सब तरफ एंट्स पड़े हैं, और वो माइंड कंट्रोल से करते हैं, वो यहाँ पे ऐसा माइंड कंट्रोल वाला गैजेट लगा के सारी चीज़ें करते हैं, उनको एंट कंट्रोल करते हैं। तो बहुत अच्छे से वो सीन दिखाया है, वो ऐसा नाचते हुए जाता है बेड से उतर के, और वो जो होप पिम है वो बोलती है आपने इसे चुना है, ये क्या कर सकता है, ऐसे उसको नकारती है धिक्कारती है। बट हैंक पिम बोलते हैं अब इसको तुझे ट्रेनिंग देनी है। ऐसी ये फिल्म चालू होती है और बहुत सही फिल्म है। इसमें एंटमैन है इसके अपोज में भी एक दूसरा एंटमैन क्रिएट होता है, ये इस फिल्म में विलन बताया गया है जो कि हैंक पिम का ही दोस्त रहता है, उसका पार्टनर रहता है, बट वो खुद की कंपनी खोल लेता है। तो उसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, वो जानबूझ के एंटमैन को अपने जाल में फंसता है और उसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है,
और हैंक पिम को ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी उसके पास ऑलरेडी है, बट उसके पास नहीं रहती है। वो हैंक एंटमैन को पकड़ के वो टेक्नोलॉजी ले लेता है, और ऐसी ही सारी स्टोरी है पूरे फिल्म की। और फिल्म का एंड भी काफ़ी अच्छा है, और आपको पता चलेगा इसमें कुछ टीज की है, चीज़ें बहुत अच्छे से टीज की है। जैसे वास्प का एक लुक दिखाया है, एंटमैन एंड द वास्प का जो वास्प का जो सूट है वो दिखाया है लास्ट में हैंक पिम ने, जो होप पिम है उनको। काफ़ी अच्छे से ये फिल्म है और मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉमेडी सीन्स बहुत है और बहुत बार हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे सीन्स काफ़ी कम देखने मिलते थे इसके पहले, बट अब बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। सडनली श्रिंक हो जाता था, एंड्स के साथ बातें करने लगता था, एंड के ऊपर बैठ के फ्लाई करता था, इधर उधर जाता था, वो सारी चीज़ें उसमें देखने मिलती है। आप एंटमैन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके बारे में बताइए। जो एंटमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन है, इसमें हमें फाल्कन दिखाई दिया है, जो कि सिमिलर एज फर्स्ट जो सीन रहता है इस फिल्म का, कि वो उसके दोस्त को बताता है, अरे ये लड़की मिली, इसने ये बताया, यहाँ पे उसके पास बहुत सारा माल है, ऐसी स्टार्ट होता है ये सीन। और फाल्कन वो लड़की को बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो छोटा होता है, अचानक से छोटा हो जाता है। उस फिल्म में वो सीन है भी बीच में, तो अचानक से छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। वो आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो ये जाके वो हैंक पिम को बताता है, उसका फ्रेंड सॉरी हैंक पिम नहीं, एंटमैन को बताता है, पॉल रॉड को बताता है ये चीज़ें, जो स्कॉटलैंड है इस फिल्म में, उन्हें जाके बताता है कि भाई ऐसा एक बंदा है जो तुझे ढूंढ रहा है, और वो बोल रहा है कि वो एवेंजर का बंदा है। तो ये सच है, ऐसा दिखाते हैं। और लास्ट में हैंक पिम अपनी होप पिम को और वास्प का सूट दिखाते हैं। ऐसे इस फिल्म की एंडिंग होती है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन है इस फिल्म में। और इस फिल्म के बजट की बात करो तो इस फिल्म का बजट बहुत ही लो था, 130 मिलियन था, और इस फिल्म ने कमाए थे 530-540 मिलियन के आसपास, जो काफ़ी अच्छी कमाई थी इस फिल्म में। बहुत अच्छे से निभाया था इसमें। और इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करो जो पैथॉन रेड है, जिन्होंने इसके पहले यस मैन जैसी अच्छी फिल्में बनाई है, जो कि हमारे जिम कैरी की थी 2008 में आई हुई, उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, तो काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन किया है। एज अ फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म उनकी ये थी पूरी उनकी करियर में अब तक की, जो काफ़ी अच्छा उन्होंने डायरेक्शन किया था। आप एंटमैन के लिए कितना रेटिंग देना चाहोगे? आउट ऑफ 10 मैं दूंगा 8.5, क्योंकि मुझे ये फिल्म बहुत हंसाती थी, और मुझे नहीं पता था एंटमैन इस तरह से भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इस फिल्म में आपको पता चल जाता है। एक मेन थिंग है, एंटमैन को अभी एंड गेम में दिखाई दिया है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? एंटमैन एंड गेम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। किसी लोगों को पता होगा, किसी लोगों को नहीं पता होगा, बट एंटमैन एंड द वास्प में जो बताया गया है क्वांटम रियल में जाने के लिए वो जो चीज़ करते हैं, उसके लिए एंटमैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है एंड गेम में हमारे लिए। और वही बताएगा टोनी स्टार्क को कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जो टाइम वर्टेक्स रहता है जिसमें वो फंस जाता है और फिर बाहर कैसे निकलता है वो उसी को पता रहता है, वो किसी को नहीं बताता है, ये भी इस फिल्म में दिखाई दिया है। अब पूछूंगा मैं सितिजा से कि सितिजा को एंटमैन फिल्म जो 2015 में आई थी, फर्स्ट एंटमैन, वो कैसी लगी? एंटमैन बहुत ही अच्छी मूवी थी, एक्चुअली कॉमेडी थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, कॉमेडी प्लस थोड़ा सा मसाला एंड ऑल दैट थिंग्स। एक तो फर्स्ट टाइम दिखाई दे कि एवेंजर एक क्रिमिनल है, कि मतलब वो चोरी वगैरह करता है, फिर वो प्रिजन होता है, उसके बाद वो छूटता है, बट उसको डिवोर्सी भी रहता है, उसकी एक वाइफ और क्यूट सी डॉटर रहती है, वो सीन अच्छा लगता है मतलब देखने के लिए। फिर उसको मतलब मिलने के लिए जाता है, उसका बर्थडे था, समथिंग प्रेजेंट देता है उसके लिए, बट कुछ होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी मुझे प्राउड करे, ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मुझे प्राउड फील करे, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कि मैं कुछ तो अच्छा बनूँ, फादर भी लाइक अ गुड फादर। वो सीन्स मतलब वहाँ पे दिखाई दिया है स्टोरी में, अच्छी लगी ये मूवी। और बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हैं, एक तो पहले से एंटमैन, एक तो हम सोच भी नहीं सकते कि एंटमैन भी सुपर हीरो हो सकता है, मतलब छोटे जो काम रहते हैं वो सारे एंटमैन कर लेता है, वो अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दिया है। यस और आप इस फिल्म को रेटिंग कितने दोगे? रेटिंग मैं दूंगी 8.8 आउट ऑफ 10 सितिजा की 8 पॉइंट और मेरी 8.5। और अब इस मूवी के बारे में एक अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे वो उसकी बेटी रहती है एंटमैन की, बीच में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है कि एक एंट रहता है, उसको अचानक से वो श्रिंक के जरिए वो बड़ा हो जाता है, हैंग जो पिम पार्टिकल है उससे, तो वो उस बेटी का पेट बन जाता है लास्ट में, वो उसको खाना खिलाती है और उसका पेट हो जाता है वो।
काफी अच्छे से वो सीन दिखाया है, उसमें भी हंसते हैं हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, और हम दोनों मिलते हैं नेक्स्ट मैरवल मैराथन में। तब तक के लिए अलविदा।